राजस्थान में मई का महीना शुरू हो चुका है, एक और दो तारीख दोनों निकल गई, लेकिन तापमान के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। बात करें अगर सबसे ज्यादा तापमान की, तापमान बाड़मेर के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन अब आने वाले दिन यानी आज 3 तारीख के दिन 6 जिलों के अंदर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर मौसम में क्या कुछ बदलाव की संभावना है, क्या कोई नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जहां पर बारिश होती हुई नजर आएगी, और इसी के साथ साथ आपके जिले का हाल क्या कुछ बयां कर रहा है, तो दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हुए एरिया में आज सुबह से हल्के बादल छाने शुरू हो चुके हैं। जैसलमेर और श्रीगंगानगर के साथ बाड़मेर के कुछ एरिया में आज सुबह बादल छाने के साथ ही हल्की हवाएं भी चली। मौसम केंद्र जयपुर ने आज बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में दोपहर बाद बादल छाने और कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधी चलने का अलर्ट दिया। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई। इससे पहले राजस्थान में गुरुवार की बात करें तो गुरुवार के दिन आसमान भी साफ था, हालांकि तापमान में कोई खास इजाफा नजर नहीं आया। मई के दूसरे दिन कल राजस्थान के लगभग सभी शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ही दर्ज किया गया। कल सबसे ज़्यादा तापमान बाड़मेर जिले में यानी 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलौदी और डूंगरपुर में भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन बाकी शहरों के अंदर राहत मिलती हुई नजर आई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।